नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। 20 सूत्री अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस पार्टी के संवाद कार्यक्रम के खर्च के नाम पर जेई से पैसा मांगने का ऑडियो हुआ वायरल, भाजपा हमलावर। भवनाथपुर से ओस्ताद संसारी की रिपोर्ट। भवनाथपुर इन दिनों सोशल मीडिया पर 20 सूत्री अध्यक्ष के द्वारा जेई से पैसा मांगने का ऑडियो खूब वायरल हो रहा। वायरल ऑडियो में भवनाथपुर 20 सूत्री अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा के द्वारा 12 मार्च के हुए कांग्रेस पार्टी के संवाद कार्यक्रम के खर्च के नाम पर भवनाथपुर जेई श्याम कुमार चौधरी से 2 लाख का खर्च बताते हुए पैसे का डिमांड किया गया। ऑडियो में भवनाथपुर 20 सूत्री अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा ने मनरेगा जेई श्याम कुमार चौधरी से कह रहे हैं कि 12 मार्च को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित पूरा सरकार आ रहा है। हम ही को पूरे विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया है। प्रेमचंद जेई दिए हैं, आप भी दीजिए। जिस पर जेई ने अपनी सैलरी को मात्र 17,000 बताते हुए देने से इनकार किया है। जिस पर 20 सूत्री अध्यक्ष ने अंजाम भुगतने का धमकी दे दिया है। इससे पूर्व में भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार उमेश यादव से होली के खर्च के नाम पर पैसे का डिमांड करने को लेकर डीलर उमेश यादव ने थाना में आवेदन दिया था, जो कि डीएसपी के पहल के बाद सुलह समझौता हुआ था। नाम नहीं छापने के शर्त पर कई प्रखंड अंचल गोदाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने दबे जुबान से अब बोलना शुरू कर दिया है, जिनसे 20 सूत्री अध्यक्ष ने रांची जाने व पार्टी के कार्यक्रम के नाम पर चंदा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वायरल वीडियो पर भाजपा हमलावर भाजपा मंडल कमेटी के द्वारा आज मंडल कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में झूठ, भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी की सरकार चल रही है। इसकी वानगी देखना है तो सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त 20 सूत्री अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा से सरकारी कर्मचारियों से उगाही के तरीका को देखिए। जो ऑडियो क्लिप वायरल है वो कर्मियों के द्वारा त्रस्त होकर ही वायरल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार सभी प्रखंडों में उगाही के नियत से ही 20 सूत्री का गठन किया है। झारखंड कैबिनेट ने मंत्रियों के नाम लेकर खुलेआम कर्मियों से उगाही करना इस बात को साबित करता है कि सरकार का समर्थन प्राप्त है, चाहे मनरेगा हो या 15वें वित्त की राशि। सब में 50-50% कमीशन काटी जा रही है। कमीशन खोरी के ही चलते विकास कार्य पूरी तरह ठप है। वहीं भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य विनय कुमार चौबे ने कहा कि भवनाथपुर 20 सूत्री अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा सरकार के निर्देशानुसार ही उगाही कर रहे हैं। अगर इस मामले में सरकार की मंशा साफ है तो सरकार 24 घंटे के अंदर 20 सूत्री अध्यक्ष को बर्खास्त करे। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार के लिए युवा पलायन कर रहे हैं, राज्य के मुखिया ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं, राज्य में भ्रष्टाचार उद्योग का रूप ले रहा है। चुनाव के दौरान झामुमो कांग्रेस की ओर से किया गया वादा तो 2 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। बिना टेंडर के बालू उठाव के नाम पर अवैध वसूली हो रही। ग्रामीण इलाकों में ना ही सड़क बनी है और ना ही केंद्र के भेजे पैसे का पूरा उपयोग किया गया। मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य मनोज सिंह, संजय यादव, मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव, विधायक प्रतिनिधि भानु गुप्ता, विपिन चौबे, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष रंजीत प्रसाद, निरंजन पाठक, अतेंद्र सिंह, राम गुलाम साह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई भवनाथपुर के सभी साथी लोग उपस्थित हैं। सबसे गंभीर विषय यह है कि झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की जो गठबंधन की सरकार है, यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इनका सरकार का जो ध्रुव है वह जो बेस है भ्रष्टाचार पर ही टिका हुआ है। लूट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। इसके खिलाफ आज हम लोग उपस्थित हैं। आज यह एक वानगी ही है कि सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त 20 सूत्री के अध्यक्ष जो यहाँ भवनाथपुर प्रखंड में अपने कार्यालय से सरकारी
कार्यालय से जो है उनके द्वारा सभी कर्मियों अधिकारियों के द्वारा वो कमीशन के लिए अवैध उगाही के लिए उनसे बा जबरदस्ती दबाव देकर के पैसे की मांग की जा रही है, जो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आज जो स्थिति है हम लोग यह जानते हैं कि सरकार बिसुत्री का गठन ही इसलिए की है कि प्रखंड स्तर पर कमीशन की उगाही हो और पूरे प्रखंडों में, यह भोनापुर का विषय नहीं है, पूरे झारखंड के पूरे प्रखंडों में कमीशन के नाम पर पैसा की उगाही की जा रही है, मंत्रियों के नाम पर, जिसमें रामेश्वर उरांव का नाम लिया जाता है, जिसमें बादल पत्रलेख का नाम लिया जाता है, अन्य कैबिनेट मंत्रियों का नाम लिया जाता है, उनके नाम पर उगाही हो रही है। तो हम लोग इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि सरकार यह कार्य करवा रही है, तो निश्चित रूप से यह सरकार जनता के लिए नहीं है। और आज जो देख रहे हैं, चाहे वह बिना ऑक्शन के बालू का जो अवैध उत्खनन हो रहा है, यह भी देखने का विषय है। और बाकी तो नरेगा मनरेगा 14वें वित्त 15वें वित्त आप देख रहे हैं कितना कमीशन खोरी है। मनरेगा में 50% की कमीशन खोरी हो रही है, आज के डेट में 50% की कमीशन खोरी हो रही है। 15वां वित्त में 80 से अधिक रुपयों का बंदर बांट हो जा रहा है, यह खेद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस बात के लिए हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार के खिलाफ हम लोग आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। फोन नहीं उठा रहे हैं चौधरी जी का है, और आपका फोन पता नहीं कल से भी नहीं उठ रहा है। उठा लिए सर, ऐसा बात नहीं है सर। आपको हम बुलाए थे ऑफिस में, ऑफिस में आए नहीं। कार्यक्रम हम लोग का 12 तारीख के डल्टनगंज में, आपका पूरा मंत्री लोग आ रहे हैं, और यहाँ का भोनापुर का विधानसभा का हम प्रभारी हमको बना दिया लोग। जी सर। और यहाँ से हम 12 तारीख के 6 बजे निकलना है, यहाँ से हमको 20 गाड़ी लेके जाना है। जी सर। पूरे ढुरकी डंडई से लेके 9 बिसुत्री के सबको, सबका मॉनिटरिंग हम भी मिला है। जी सर। ग्रामीण विकास आलमगीर आलम आ रहे हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आ रहे हैं, वित्त मंत्री आ रहे हैं, रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, सारे सरकारें आ रहे हैं प्लमों में। जी। तो उसमें हमको कार्यक्रम में आप लोगों को हम बुलाए थे ऑफिस में कि उसमें इसमें 2 लाख रुपए सुपरे खर्चा कम से कम आखिर तो हम भी चल रहे हैं जी। वो तो है सर, तो सर अब हम लोग कहाँ से लाएं? हैं? अब हम लोग कहाँ से लाएंगे सर 2 लाख रुपया? आपको 2 लाख रुपया आपसे बोला जा रहा है? वही ना सर बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ से लाएंगे सर, 17,000 पेमेंटे है सर, कहाँ से लाएंगे पैसा? आप पेमेंटे पर इतना दिन से एमबी बुक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? नहीं इतना सफाई मत लाइए, ठीक ना? हम बहुत दूसरे दिमाग के आदमी है, आपको एक गाड़ी का व्यवस्था कर रहा है, समझ गए? चाहे गाड़ी बुक करके दीजिए, चाहे उसका व्यवस्था दीजिए, ठीक है ना? अब सब अधिकारी को लाइन पर आप ही लोग बचे हुए थे, प्रेमचंद जी आप बचे हुए, प्रेमचंद जी को बोल दिया, प्रेमचंद जी तैयार है, अब आप भी गाड़ी का व्यवस्था कम से कम करके दीजिए। आज अंतिम डेट है सर, सुन लीजिए, हम एक रुपया नहीं, हम एक नहीं सुनना चाह रहे हैं। अगर दिल दिमाग बैठा कर रखेंगे ना, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, कार्यक्रम के बाद हम सबको सबक सिखाएंगे। हम एक रुपया इधर 2 दिन से आपको बुला रहे हैं ऑफिस में, आप मेरे से चल रहे हैं, हमको नजर नहीं रख रहा है आप रह रहे हैं सर। हम एक रुपया नहीं दे पाएंगे, हमारे पास एक अपना 17,000 का पेमेंट है, उससे बेसी का नहीं है सर, हम एक रुपया किसी को नहीं दे पाएंगे, हम कहाँ से देंगे सर? आप पीसी ले बाहर, हमको नहीं मिलता है, अगर आपको मिलता है तो ले ना लीजिए सर, मेरे नाम पर आपको मिलता है तो ले लीजिए सर। इतना हालत खराब कर दूंगा चौधरी जी, रखो फोन। आप ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास
6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।